7 December 2021. I was waiting for my CSEP counseling final round result. Before that in JOSA till round 6, I was allotted mechanical engineering at NIT Rourkela. And I got a bit anxious क्योंकि यार काफ़ी सीनियर से बात करने के बाद ये सुनने में आया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी फिजिक्स आती है एंड आई वॉज वीक इन फिजिक्स येस इसलिए आई अप्लाइड फॉर CSAB एंड फाइनली द CSAB रिजल्ट्स केम आउट एंड वॉट आई सॉ ऑन स्क्रीन वॉज इंस्टीट्यूट नेम विश्वेश्वरय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर एकेडमिक प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 years बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी I was a little shocked as it was unexpected and of course why not as I was the branch closer. अब मैं रहती हूँ गुवाहाटी में और कॉलेज मिला था मुझे नागपुर में और ऊपर से ब्रांच कौन सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज़ नोन फॉर बींग वन ऑफ द टफेस्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स तो यार तब मेरे गंदे वाले लग गए थे बट शायद तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ बस ये सोचा था कॉलेज जाके कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा आखिर हम भी तो गौरव भी इंजीनियर्स ही है अब फर्स्ट ईयर तो मस्त आराम से ऑनलाइन निकल गया था अच्छी खासी CGPA भी आ गई थी और पढ़ना भी नहीं पड़ा था पर हाँ इतना माइंड में ज़रूर था कि कोडिंग तो पैरेलली करनी पड़ेगी क्योंकि यार मेरी ब्रांच EEE में एक भी कोडिंग का कोर्स नहीं होने वाला था एक्सेप्ट फॉर सम ऑप्शनल कोर्सेज और अब कॉलेज के कोर्सेज कैसे होते हैं वो तो सबको मालूम ही है YouTube जिंदाबाद अब फर्स्ट ईयर में सबसे यही सुना था यार कोडिंग कर लो अच्छा पैकेज मिल जाएगा और एक रीज़न ये भी था कि एकेडमिक्स में तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा था ऑनलाइन में तो ऑफ कोर्स एट द एंड घर बैठे बैठे कुछ तो करना ही था पर ये समझ नहीं आ रहा था शुरुआत कहाँ से करूँ A growing up ain't easy Too many things to do weekly Too many thoughts to think deeply Too many thoughts to be sleeping Yeah, oh my god I'm not eating I feel so empty, I'm receding So one fine day, एक senior का हमारे group में message आता है कि you know, give this coding ninjas का scholarship test अगर अच्छा हुआ तो you will get discount on their courses तो मैंने सोचा चलो दे देते हैं अब टेस्ट में आए कुछ मैथ्स के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड एज फार एज आई रिमेंबर आई गॉट अ स्कॉलरशिप ऑफ 40% तब लगा चलो ले लेते यार कोई कोर्स एटलीस्ट आई वुड गिव अ स्टार्ट टू इट तो पापा को थोड़ा मनाया एंड देन आई टुक द C++ एंड DSA कोर्स सो वहाँ से मेरी कोडिंग जर्नी की शुरुआत हुई जैसे ही सेकेंड ईयर आया तो मुझे थोड़ा कोडिंग में इंटरेस्ट आने लगा था और ये रियलाइजेशन भी हो गई थी यार गलत ब्रांच मिल गई इट वुड बी मच मच बेटर अगर मैं CSE में होती तो अब मेरे सेकेंड ईयर से हमारा कॉलेज हो गया था ऑफलाइन यानी मेरे थर्ड सेमेस्टर से फील आ गई थी कि अब मुझे थोड़ा एकेडमिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मेरी ब्रांच के कोर कोर्सेस स्टार्ट हो गए थे जो कि थे नहायत ही घटिया एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मेजरमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन नेटवर्क थ्योरी इतने तो डरावने नाम और भाई मतलब इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस इतनी फालतू की कैलकुलेशंस जो कि लिटरली साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी ना हो 200-200 पेजेस की PDF और ऊपर से इतने बढ़िया प्रोफेसर्स आई मीन यू नो व्हाट आई मीन भाई लिटरली लगता था क्या है ये सब क्या होगा पढ़ के मतलब क्या काम आने वाला है ये मेरे लाइफ में वही बस रैट रेस में घुस जाओ रट्टा मारो एग्ज़ाम दो ताकि अच्छी CGPA आ जाए स्किल्स तो गए भाड़ में सीरियसली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था ये सब जहाँ लोग अपना पूरा फोकस पढ़ाई में लगाकर अपनी CGPA बढ़ा रहे थे वहीं आई वॉज डूइंग द थिंग्स आई वॉज मोस्ट पैशनेट अबाउट कभी कभार लगता था यार अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कोडिंग को ही डिवोट कर देती हूँ ताकि अच्छी जॉब लग जाए और फिर याद आता था नहीं यार वीडियो एडिटिंग और फिल्म मेकिंग का भी तो अपना अलग ही मज़ा है उसे कैसे छोड़ सकती हूँ और फिर एक दिन लगता था यार डांस तो बचपन से करती आ रही हूँ उसी को ही फॉलो करती हूँ आगे इतनी अनसर्टेनिटीज थी लाइफ में कि कभी कभार लगता था सब छोड़ देती हूँ सिर्फ पढ़ाई ही करती हूँ बट देन आई रियलाइज्ड Life is never gonna be easy. You need to set your priorities and then manage your time wisely. That's it. This is the only hack to succeed. I don't know in which direction my life would go in the upcoming 2 years, but I'm hoping for the best and working on it as much as I can. So best of luck to me and of course to all those who are watching this, especially till here.
थैंक्स फॉर एग्जिस्टिंग. लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूँ, मंजर मेरी नजर में ये सब सीन.